एक सीक्रेट है। जॉर्ज, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है। ये खाली है, इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूंढना है। जॉर्ज पेपा की मदद करना चाहता है। नहीं जॉर्ज, सिर्फ मुझे पता होगा बॉक्स में क्या है। जब तक मैं पसंद करूँ, तुम बाहर इंतजार करो। पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की हैं। अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है। जॉर्ज, तुम्हें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है। अगर तुम चाहो तो गेस कर सकते हो। जॉर्ज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डायनासोर को रखा है। ओह जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, एक डायनासोर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैठ सकता। जॉर्ज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है। डैडी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे हैं। डैडी, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है, मम्मी ने इसे मेरे लिए बनाया है। ये बहुत अच्छा है पेपा, इसके अंदर क्या है? ये एक सीक्रेट है। जॉर्ज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया। क्या मैं कोशिश करूं? हाँ। क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है? नहीं, आपका चश्मा तो आपके सिर पर है। हाँ वो है। अब भी ना डैडी, आपको सोचकर बताना चाहिए था। क्या तुमने अपनी मम्मी के जूते बॉक्स में रखे हैं? नहीं, और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। पेपा को सीक्रेट पसंद हैं। मम्मी, किसी को नहीं पता मेरे बॉक्स में क्या है। ओह, जॉर्ज के पास क्या है? मैंने जॉर्ज के लिए भी एक बॉक्स बना। हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिक किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी? सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट? नहीं। नीले रंग का गाड़ी में कुछ है? नहीं, हार गए? हार गए। आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओ डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिक को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल, चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिक बोल रहा हूँ। दादा पिक, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। ओ, हो, 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 क्या डैडी पिक नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिक मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुँचना है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी। जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी, माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिक कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। वाह,
देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह! और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है। इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे? ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी पिग, थोड़ी जगा दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। मम्मी, डैडी। बोलो पेपा। मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? पर शायद जॉर्ज को नींद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी। जॉर्ज, क्या तुम्हें कहानी सुननी है? हाँ बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा। अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे। हम प्रॉमिस करते हैं। तो आज मैं तुम्हें स्लीपी प्रिंसेस की कहानी सुनाऊंगा। क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है। बोरिंग नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है। क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पापा, अगर तुम बातें करती रहोगी तो डैडी पिग कहानी कैसे सुनाएंगे? सॉरी मम्मी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डैडी? हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है। एक स्लीपी प्रिंसेस। बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस। डैडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुंदर थी? हाँ, बहुत सुंदर। उसे अपने आप को आईने में देखना बहुत पसंद था। ओह, मैं कितनी सुंदर हूँ। उस महल में और कौन कौन रहता था? वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन मम्मी और किंग डैडी। बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे। क्या किंग डैडी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे मेरी तरह। थैंक यू दादी पिग, थैंक यू दादा पिग। पहले अंदर कौन जाना चाहेगा? मैं। तो फिर चलो। अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। जॉर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है? बताओ कौन है? जॉर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है, क्या वो अंदर आ सकता है? हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। जॉर्ज, अपने जूते उतारो और फिर पापा को मिलने ट्री हाउस में जाओ। कौन है? जॉर्ज? आप कौन है? मैं हूँ मम्मी पिग। क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए जगह है? आपको सीक्रेट कोड बताना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, और वो सीक्रेट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा। सीक्रेट कोड है डैडी का बड़ा पेट। ओ अच्छा। सीक्रेट कोड बताइए। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब, डैडी का बड़ा पेट।
सीक्रेट। मुझे लगता है ये सीक्रेट कोड बहुत ही बकवास है। मम्मी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे। हाँ पापा। डैडी, आप भी अंदर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड बताइए डैडी। क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नहीं। नहीं तो ठीक है, डैडी का बड़ा पेट। कैसे हो दोस्तों? हेलो पापा। हेलो सूजी, मैं हूँ राजकुमारी पापा। तुम्हें मुझसे झुक कर बात करनी चाहिए। हेलो राजकुमारी, मैं हूँ नर्स सूजी। मुंह खोल कर कहिए आ आ। नहीं, मैं हूँ जोकर। कुछ मजेदार करो। रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यों हो? मुझे गाजर पसंद है। डायनासोर। बाप रे, डरावना डायनासोर। पापा आईने में खुद को खुशी से देख रही है। दीवार पर टंगे हुए आईने, बताओ सबसे सुंदर कौन है? तुम हो पापा। हेलो पापा। हेलो, मैं परियों की राजकुमारी हूँ। और मैं जादूगरनी। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। मेरे पास भी जादुई छड़ी है। मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। और मैं भी तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। <डाइनेशो। laughs> तो खुद को देखकर ही डर गया। ओफो जॉर्ज, देखो आईने में तुम ही हो। बच्चों, अब ये तय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रेस किसने पहना है। अब जज कौन बनेगा? ये पापा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए। मैं जज हूँ, मैं जज हूँ। डैडी, जज क्या होता है? जज तय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है। अरे वाह, पापा ये तय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। सूजी, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ। शाबाश नर्स सूजी। अब डैनी। मैं हूँ पायरेट। आप तंदुरुस्त नहीं लगते डैडी, आपका पेट थोड़ा बड़ा है। मैं तंदुरुस्त हूँ, अभी साबित करता हूँ। पहले क्या करके दिखाऊं? अपने पैरों को हाथ लगाइए ऐसे। आसान है डैडी, बहाना मत बनाइए, कोशिश तो कीजिए। मैं बहाना नहीं बना रहा पापा। डैडी पिग सचमुच अपनी पैरों की उंगलियों को हाथ नहीं लगा सकते। ओ डैडी, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे थोड़ी कसरत कर लेनी चाहिए। जी डैडी, करनी चाहिए। और वो मैं करूँगा कल से। डैडी पिग, आपको अभी से एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। ओ फिक्र मत करो डैडी, मैं मदद करूंगी। ओ ठीक है, मुझे तंदुरुस्त बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो बताओ पहले क्या करूँ? पहले आपको थोड़े प्रेस अप्स करने हैं। आसान है। एक, दो, शाबाश डैडी। अब मैं चाहती हूँ कि आप 100 करें। 100? हाँ। चलो बच्चों, खाना बनाने में मेरी मदद करो। मैं भी करूँगा। नहीं डैडी, आपको 100 प्रेस अप्स करने हैं। एक, दो। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज किचन में लंच बना रहे हैं। डैडी पिग अभी भी अपने प्रेस अप्स कर रहे हैं। डैडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10? हाँ, पर बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। 12? मैं जाकर देखती हूँ। 14? 15? 16? 17? डैडी पिग, आप चीटिंग कर रहे हैं, आपको प्रेस अप्स करने थे। वो क्या है ना, टीवी पर एक दिलचस्प प्रोग्राम आ रहा था। ओ शरारती डैडी। शायद डैडी को मेरी पुरानी एक्सरसाइज बाइक से ज्यादा फायदा होगा। इसमें मजा आएगा, मैं साइकिल भी चलाऊंगा और साथ ही टीवी भी देखता रहूंगा। ये तो नामुमकिन है, ये साइकिल बहुत शोर कर। जॉर्ज,
चलो गुड़िया और डायनासोर के साथ खेलते हैं। वो क्या है? एक भयंकर राक्षस है। डायनासोर। ये एक डायनासोर है। बचाओ, बचाओ। डैडी पिग बाहर के कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं। मम्मी पिग अपनी किताब पढ़ रही है। वो क्या कर रही हैं? पेपा, जॉर्ज, क्या चल रहा है? ये इतना शोर कैसा? वो बचाओ! ये क्या हो रहा है? कितना शोर कर रहे हो? और फर्श पर ये कितना सामान पड़ा है? इस पर गिरकर किसी को चोट लग सकती है। कोई सचमुच गिरा है और उसे चोट भी लगी है। अरे बाप रे, बेचारे डैडी पिग। अब चलो बच्चों, थोड़ी साफ सफाई कर ले। पर मम्मी, हम गुड़िया और डायनासोर से खेल रहे हैं। सफाई करने के बाद तुम खेल सकते हो। पर ये तो सारा जॉर्ज का सामान है। अच्छा, सचमुच? तो ये जॉर्ज का ही खूबसूरत ड्रेस होगा, है ना? नहीं। शायद थोड़ा सा सामान मेरा है। तो चलो, मैं सफाई करने में जॉर्ज की मदद करूंगा और मम्मी पिग पेपा की। क्यों ना हम रेस करें लड़कियां और लड़कों के बीच। बेहतरीन आइडिया है। देखते हैं पहले सफाई कौन करता है। 1, 2, 3। हम जीत रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रहा। ओह, ये क्या है? टेडी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जल्दी पापा, टेडी को अपने खिलौने के बक्से में रखो। पापा झूले पर झूल रही है। मम्मी, मम्मी, झूला झुलाओ ना। तुम तैयार हो? हाँ, मुझे बहुत ऊंचा जाना है। और ऊपर मम्मी। जॉर्ज को भी झूले पर झूलना है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। कस कर पकड़ो। मैं जॉर्ज को झुलाऊंगी। जॉर्ज को धीरे से झुलाना पेपा। जी मम्मी। कस के पकड़ना जॉर्ज। ओहो, पेपा ने जॉर्ज को बहुत जोर से झूला झुलाया। जॉर्ज को ये बिल्कुल पसंद नहीं। पेपा, तुम्हें पता है जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। चलो वहाँ खेलते हैं। हेलो सूजी। हेलो डैनी। हेलो पेपा। तुम सब गलत कर रहे हो। झूलने का सही तरीका ये है। पीछे रहो। 1, 2, चलो। मेरी तरफ देखो, मैं पंछी की तरह उड़ रही हूँ। ओह, मैं फंस गई हूँ। पेपा टायर में फंस गई है। ये हंसने वाली बात नहीं है। हमें थोड़ी हंसी तो आ रही है। तुम्हें बाहर निकालना होगा। पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। जॉर्ज, क्या तुम्हें क्लाइंबिंग फ्रेम पर खेलना है? क्लाइंबिंग फ्रेम बहुत ऊंची है। जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। क्या हम फोटो लगाने में आपकी मदद करें डैडी? पहले तुम देखो, तभी तो ठीक से सीख पाओगे। पहले नापने के लिए टेप लेते हैं और एक पेंसिल। यहाँ पर मैं एक किला मारूंगा। दीवार मत तोड़ देना डैडी। अब मुझे जरूरत है एक हथौड़े की और एक किले की। पीछे हट जाओ बच्चों और देखो मैं कैसे काम करता हूँ। डैडी पिग अब दीवार में कील मारने वाले हैं।
दीवार मत तोड़ देना डैडी। कुछ भी बोलती हो पेप्पा, कितना आसान है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। डैडी पिग की वजह से दीवार में बड़ी दरार आ गई। डैडी आपने दीवार तोड़ दी। एक छोटी दरार ही तो है, ये फोटो उन्हें छिपा देगी। देखा हो गया। मुझे अब भी दिख रही है डैडी। मुझे भी। एक काम करते हैं, इसे निकालते हैं और ये दरारें भर देते हैं। कचरा मत करना डैडी। कुछ भी बोलती हो पेप्पा। तो आ जाओ बाहर जल्दी। ओ डैडी, अब आपने सचमुच दीवार तोड़ दी। आपको लगता है मम्मी को पता चलेगा? हाँ, शायद पता चल ही जाएगा। जल्दी करो जॉर्ज। वो क्या कर रहे हैं? डैडी, हम आपको देख सकते हैं। डैडी पिग को मम्मी पिग के घर लौटने से पहले दीवार को ठीक करना होगा। एक ईंट दे दो। डैडी पिग ने पहले ईंटों से दीवार को ठीक कर दिया। पेपा और उसके परिवार को नई नीली कार पसंद है। इस नई गाड़ी में तो बहुत सारे बटन्स हैं। हरे बटन से क्या होता है डैडी? चलो देखते हैं। जादुई खिड़कियाँ। डैडी, जादुई खिड़कियों को नीचे कर दो। नीले बटन से क्या होता है डैडी? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। मुझे ये नई गाड़ी पसंद है, क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पापा, हमने बस ये आज के लिए ली है। ओह नहीं, लगता है बारिश होने वाली है। तो मैं छत ऊपर कर देता हूँ। तो कौन सा बटन कहा था उन्होंने? मैं कितना बुद्धू हूँ। ये रहा वो बटन। नई कार ने डैडी पिग पर पानी उछाल दिया। बुद्धू डैडी, वो गलत बटन है। तो ये बटन रहेगा। ओप्स, ये तो नहीं है, तो ये रहेगा। डैडी पिग भूल गए हैं कि कौन से बटन से छत ऊपर होती है। ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती। हम लाल बटन दबा कर देखते हैं। हुरे! लेकिन बारिश अब रुक गई। क्या फिर से छत नीचे कर दे? क्यों नहीं, लेकिन कौन सा बटन था? लाल वाला। हुरे! दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया। तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। हुरे! थैंक यू दादा डॉग, ये रहे तुम्हारे पैसे। थैंक यू डैडी पिग। गुड बाय। गुड बाय। वाओ, खजाना कहाँ है वो? हाँ, वो तो तुम्हें ढूंढना होगा। ये रहा खजाने तक जाने का नक्शा। और जॉर्ज मेरा पायरेट हैट पहन सकता है। ओ हेलो कैप्टन जॉर्ज। ये मैप थोड़ा मुश्किल है, डैडी आप मदद कीजिए। क्यों नहीं पेपा, मुझे मैप पढ़ना आता है। ये थोड़ा मुश्किल है। डैडी पिग, आपने नक्शा उल्टा पकड़ा है। अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था। ये आसान है, लाल क्रॉस दिखाता है खजाना कहाँ है। लेकिन गार्डन में वो दो सेब के पेड़ कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें मदद चाहिए? हाँ प्लीज। पहला क्लू बोतल में है, लेकिन बोतल कहाँ है? मुझे दिख गई। पेपा ने पहला क्लू ढूंढ लिया है। बोतल में मैसेज है। देखिए, ये रही बोतल। शाबाश पेपा, देखते हैं मैसेज में क्या लिखा है। ओ, ये तो एक पायरेट का मैसेज है। मम्मी, क्या आप मैसेज पढ़ सकती हैं?
इस समुद्री डाकू की राइटिंग बहुत ही खराब है। नहीं नहीं, पायरेट की लिखावट बहुत अच्छी है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पायरेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो। निशान का पीछा करो। जॉर्ज को दूसरा क्लू मिला है, कुछ एरोस के निशान जो लकड़ियों से बने हैं। देखो, वो उस तरफ जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज एरोस का पीछा कर रहे हैं। देखो जॉर्ज, एक चाबी। पेपा को अगला क्लू मिला है, एक चाबी। बहुत अच्छे पेपा, अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ढूंढना है जो इसे खुलेगा। मामी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा, तुम बीमार लग रही हो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउन बियर बोल रहा हूँ। पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ, दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। यक, गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर आ सकते हैं, ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बेयर। मामी, क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बेयर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पेग। पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी। हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पर रैश है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेयर आए थे, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ। जॉर्ज। पेपा और जॉर्ज बर्फ में पैरों के निशान बना रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को बर्फ में पैरों के निशान बनाना बहुत पसंद है। ओ, ये क्या? इसमें हंसने वाली क्या बात है? जॉर्ज, चलो बर्फ के गोले बनाते हैं। पेपा ने एक स्नोबॉल बनाया है। पेपा और जॉर्ज को बहुत मजा आ रहा है। वापस आ जाओ जॉर्ज के बच्चे। ओहो, लगता है कि खेल थोड़ा ज्यादा रफ हो गया। सॉरी जॉर्ज। जॉर्ज, चलो स्नोमैन बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज एक स्नोमैन बना रहे हैं। पहले उन्होंने उसका शरीर बनाया। जॉर्ज, ये स्नोमैन का शरीर है। अब वो स्नोमैन का सिर बनाएंगे। अब इसे चाहिए हाथ, आंख और एक मुंह। जॉर्ज को स्नोमैन के हाथों के लिए लकड़ियां मिली हैं। पेपा को स्नोमैन की आंखों के लिए और मुंह के लिए पत्थर मिले हैं।
ये इसका चेहरा है। डैडी, क्या हम चश्मा ढूंढने में आपकी मदद करें? अच्छा आइडिया है। अगर उसे ढूंढ लोगी तो डैडी चिड़चिड़ाना बंद कर देंगे। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ। पेपा और जॉर्ज डैडी का चश्मा ढूंढ रहे हैं। पेपा अखबार के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहाँ नहीं है। जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है, लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर मम्मी डैडी के बेडरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिक के बेडरूम में ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज, ध्यान से किसी चीज से टकरा मत जाना। ये कोई मजाक नहीं है। पेपा तकिए के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहाँ भी नहीं है। जॉर्ज डैडी के स्लीपर्स में देखता है, लेकिन चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो बाथरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढूंढ रहे हैं। चश्मा टब में नहीं है। चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। पेपा और जॉर्ज को डैडी पिक का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह देखा, लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला। ओह डियर, अब हम क्या करें? लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा। अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा। ये यहाँ है डैडी का चश्मा। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरीज चाहिए। चिंता मत करो पेपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पेपा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा, हम आ गए। पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ, देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? डैडी, क्या हम चश्मा ढूंढने में आपकी मदद करें? अच्छा आइडिया है। अगर उसे ढूंढ लोगी तो डैडी चिड़चिड़ाना बंद कर देंगे। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ। पेपा और जॉर्ज डैडी का चश्मा ढूंढ रहे हैं। पेपा अखबार के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहाँ नहीं है। जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है, लेकिन डैडी पिक का चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर मम्मी डैडी के बेडरूम में देखते हैं। <laughs>
पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के बेडरूम में ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज ध्यान से किसी चीज से टकरा मत जाना। ये कोई मजाक नहीं है। पेपा तकिए के नीचे देखती है लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहां भी नहीं है। जॉर्ज डैडी के स्लीपर्स में देखता है लेकिन चश्मा वहां भी नहीं है। चलो बाथरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढूंढ रहे हैं। चश्मा टब में नहीं है। चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। पेपा और जॉर्ज को डैडी पिग का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह देखा लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला। ओह डियर, अब हम क्या करें? लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा। अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा। ये यहाँ है डैडी का चश्मा। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरीज चाहिए। चिंता मत करो पेपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पेपा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा हम आ गए। पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा ग्रैंडपा, क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ, देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? नहीं जॉर्ज, ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है। जाओ और अपने खिलौनों से खेलो। पेपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ। और तुम्हें एक मेंढक बना दूंगी। जॉर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। नहीं जॉर्ज, मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ, तुम कहीं और जाकर खेलो। जॉर्ज पेपा के साथ खेलना चाहता है, वो अकेला महसूस कर रहा है। जॉर्ज मुझे मदद चाहिए, मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ। जरा बोल में से चक्कर बताओ। जॉर्ज को कुकीज बनाने में मम्मी की मदद करना अच्छा लगता है लेकिन उसे पेपा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा?
पेपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। पेपा जॉर्ज की धड़कन सुनती है। जॉर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खासो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा ढीला है, मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ। अरे ग्रैनी। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरेट के साथ खेलने की जल्दी में है। खत्म हो गया। तुम बच्चे कितना शोर करते हो। ग्रैनी, क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरेट को देख सकते हैं? क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया? फिर तुम जा सकते हो। हुरे! जॉर्ज, पॉली को कुछ कहो ना। जॉर्ज थोड़ा झिझक रहा है। हेलो। हेलो। पेपा और जॉर्ज को पॉली पैरेट के साथ खेलने में सच में मजा आ रहा है। मैं हूँ पेपा पिग। मैं हूँ पेपा पिग। जॉर्ज, कुछ बोलो। पेपा और जॉर्ज पैरेट बनने का नाटक कर रहे हैं। मैं हूँ पॉली पैरेट। पेपा पॉली पैरेट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो? जी ग्रैनी। पेपा बिस्तर के नीचे नहीं है। वो कैसी अजीब सी आवाज थी? पेपा पर्दे के पीछे भी नहीं है। फिर से वही अजीब सी आवाज। वो क्या हो सकता है? जॉर्ज ने ढूंढ लिया कि पेपा कहाँ छुपी थी। जॉर्ज ने मुझे ढूंढ लिया। अब डैडी के छुपने की बारी है। मुझे लगता है जॉर्ज को एक और बारी मिलनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज को ठीक से छुपना नहीं आता। मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा। अपनी आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। एक, दो, ओह डियर, पेपा आसानी से जॉर्ज को ढूंढ लेगी। पाँच, छः, जॉर्ज यहाँ पर आ जाओ। सात, आठ, नौ, दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। ओह, जॉर्ज मेज के नीचे नहीं छुपा है। लेकिन जॉर्ज तो हमेशा मेज के नीचे छुपता है। क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में है। ओह, जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में नहीं है। वो कहाँ हो सकता है? पेपा को जॉर्ज कहीं नहीं मिला। डैडी, मुझे जॉर्ज कहीं नहीं मिला। ओह डियर, मैं सोचता हूँ वो कहाँ हो सकता है। मैडम गजेल प्ले ग्रुप के बच्चों की देखभाल करती है। हेलो, ये है मेरा छोटा भाई
जॉर्ज। हेलो जॉर्ज। काश मेरा भी एक जॉर्ज जैसा एक छोटा भाई होता। सच में? हेलो, मैं हूँ डैनी डॉग। क्या ये डायनासोर है? ये सिर्फ एक खिलौना डायनासोर है। डायनासोर शानदार। डायनासोर सच में डरावना है। ये शानदार है। जॉर्ज मेरा भाई है और वो कमाल का है। पेपा को अपने छोटे भाई जॉर्ज पर गर्व है। चलो हम जॉर्ज को बताते हैं कि तस्वीरें कैसे बनती हैं। जॉर्ज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। शायद तुम उनकी मदद कर सकती हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है। जॉर्ज, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं। पहले तुम एक बड़ा सर्कल पेंट करो। नहीं जॉर्ज, ये रंग सही नहीं है। अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो। जॉर्ज, ये सही शेप नहीं है। अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो। परफेक्ट। देखो वहाँ तालाब में बत्तख है। मम्मी, क्या हम बत्तखों को खिला सकते हैं? हाँ, तुम उन्हें ब्रेड खिला सकती हो। पेपा और जॉर्ज को बत्तखों को खिलाना अच्छा लग रहा है। मम्मी, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए। पेपा, वो आखिरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है। मुझे माफ कीजिए, हमारे पास और ब्रेड नहीं है। बत्तखों को और खाना चाहिए। लगता है डैडी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है। क्या? अब तुम यहाँ क्यों आई? पेपा ने तुम्हें बताया ना, यहाँ और ब्रेड नहीं है। मम्मी, हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है। ठीक है, अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो। मम्मी पिग का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक सबको पसंद आया। एक मक्खी, मुझे मक्खियों से चिढ़ है। शू, चिढ़ने की क्या बात है मम्मी पिग, ये सिर्फ एक मक्खी ही तो है। चलो जाओ मक्खी। बिल्कुल हिलना मत मम्मी पिग, ये उड़ जाएगी। देखा तुमने, तुम्हें कहा था बस हिलना मत। अरे चली जाओ, बचाओ, इसे भगाओ, भगाओ इसे। उम्मीद है मक्खी डैडी को काटेगी नहीं। दूर हटो छोटी सी मक्खी। नहीं, डैडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इसके पहले कि मक्खी वापस आ जाए, हमें केक खा लेना चाहिए। ओ नहीं, हम बत्तखों के लिए बचाना तो भूल ही गए। मेरे ख्याल से वो चली गई है। आपने कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डैडी पिग। वायलिन बजाना बहुत मुश्किल है। पेपा, लगता है तुम ये टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो। शुक्रिया डैडी। ये आवाज ठीक है। पेपा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छे। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। ये डैडी पिग का पुराना अकॉर्डियन है। मैं ये मम्मी पिग के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे। ओ डैडी पिग, मुझे ये धुन याद है। जॉर्ज भी अकॉर्डियन बजाना चाहता है। तुम बजाओगे जॉर्ज? अकॉर्डियन काफी मुश्किल है। जॉर्ज, ये अकॉर्डियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना कि मेरा ड्रम। ठीक है जॉर्ज। शायद जॉर्ज अकॉर्डियन बजाने के लिए अभी थोड़ा छोटा है। डैडी,
इस बॉक्स में और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बस ये हॉर्न। क्या मैं बजाऊं? तुम्हें इसे बहुत जोर से बजाना होगा। इसकी आवाज ठीक नहीं लगती। ये बिल्कुल नहीं बजता। मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूँ। इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है। हो, शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह। ये आवाज भी अच्छी नहीं है। पेपा ठीक कहती है, ये बिल्कुल नहीं बजता। कोई बात नहीं डैडी पिग, आप सिर्फ अकॉर्डियन बजाओ, आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो। ठीक है, मैं इसे अच्छा बजाता हूँ, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। और मैं अपना वायलिन बजाऊंगी। और मैं ड्रम बजाऊंगी। मामी पिग वायलिन बजाती है। लेकिन मैं फूल नहीं हूँ, मैं पेपा पिग हूँ। ये कितनी प्यारी है, मैं एक बटरफ्लाई बनना चाहती हूँ। पेपा बटरफ्लाई बनकर खेल रही है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। जॉर्ज मैं बटरफ्लाई हूँ, तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते? मुझे पता है, तुम रेंगने वाले वर्म बन सकते हो। देखो देखो, मैं एक बटरफ्लाई हूँ। ओह डियर, जॉर्ज वर्म नहीं बनना चाहता, वो बटरफ्लाई बनना चाहता है। जॉर्ज, जब मैं छोटा पिगी था, मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था। वर्म बनना बहुत आसान है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा, फिर इस तरह रेंगना होगा। मैं एक रेंगने वाला वर्म हूँ। जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग को रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मजा आ रहा है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ, मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। देखो देखो, मैं छोटी बटरफ्लाई हूँ। हाँ पेपा, तुम एक सुंदर बटरफ्लाई हो। ग्रैंडपा जॉर्ज अब क्या कर रहे हैं? हम रेंगने वाले वर्म्स हैं। मैं भी रेंगने वाला वर्म बनना चाहती हूँ, मैं रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं एक रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म, मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। आप कैसे हैं? आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। दादी पिग, दादा पिग, दादी एक, दादा एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो। पेपा, जॉर्ज, चलो सो जाओ जल्दी। गुड नाइट मेरे छोटे पिगीज। गुड नाइट, सो जाओ बच्चों। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी। कितने प्यारे बच्चे हैं। अब जल्दी से सो जाओ। जी मम्मी। कितने अच्छे बच्चे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार हैं। पापा और जॉर्ज कितने अच्छे हैं। मम्मी पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए। इन बच्चों को संभालना बहुत आसान है। जॉर्ज, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? ये कैसी अजीब आवाजें हैं? शायद हमें ऊपर जाकर देख लेना चाहिए। पापा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो?
लगता है दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब वो शोर पेपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है वो गहरी नींद में सो गए हैं। ये रहे पेपा के दोस्त, कैंडी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। बच्चों, आज एक नई स्टूडेंट आई है, पेपा पिग। जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो। हेलो दोस्तों। हेलो पेपा। पेपा, हम शुरू करेंगे डेमी प्लिए से। डेमी प्लिए। अब एक छोटा जंप। पट्टी जीते। नजाकत और सुंदरता से पट्टी जीते। नजाकत और सुंदरता। पटिशते नजाकत और सुंदरता। बैले की क्लास बहुत मजेदार है। अपने हाथ ऊपर उठाओ। ऐसा सोचो कि तुम एक खूबसूरत हंस हो। और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवाज करेगा? नजाकत और सुंदरता। पेपा को नाचना बहुत पसंद है। सबको नाचना बहुत पसंद है। मम्मी मम्मी, हम सब ने हंसों की तरह डांस किया। पेपा ने बहुत अच्छा किया। प्यारा और सुनहरा दिन है। पेपा और जॉर्ज पिकनिक मना रहे हैं। ये लो तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस। क्या कहना चाहिए टेडी? बहुत बहुत थैंक यू पेपा। ओ, कोई बात नहीं टेडी। और ये है ऑरेंज जूस तुम्हारे लिए डायनासोर। और तुम्हें क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे मिस्टर डायनासोर। क्या टेडी और मिस्टर डायनासोर को कुकी चाहिए? ओ, हमें बहुत भूख नहीं है, इसीलिए पेपा और जॉर्ज सारी कुकीज खा सकते हैं। थैंक यू टेडी। ये अजीब आवाज कैसी? पेपा, जॉर्ज, जल्दी घर के अंदर आ जाओ। मम्मी, एक बहुत ही डरावनी आवाज आई। ये गड़गड़ाहट है पेपा, इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश के साथ तूफान आएगा। जल्दी बारिश शुरू होने से पहले घर के अंदर आओ। ओ, घबराओ मत, बारिश आने में अभी बहुत देर है। आकाश ज्यादा और ज्यादा गहरा होता जा रहा है, तूफान आने वाला है। पेपा, जॉर्ज, क्या तुमने बगीचे से अपने सारे खिलौने लाए? डायनासोर। अच्छा है, मिस्टर डायनासोर सुरक्षित हैं। टेडी, मैंने टेडी को वहीं पर छोड़ दिया, वो गीला हो जाएगा। दम करो पेपा, डैडी पिक तुम्हारा टेडी ले आएंगे। जल्दी करो डैडी पिक, अभी बारिश होने वाली है। मुझे तूफानों के बारे में सब पता है, अभी तो बारिश आने में बहुत वक्त है। मुझे लगा ही था बारिश होने में अभी बहुत वक्त है। बेचारा टेडी। पकड़ो जॉर्ज। ओह, छूट गई। जॉर्ज ने बॉल पकड़ ली। हुर्रे! शाबाश जॉर्ज, अब तुम पेपा की तरफ बॉल फेंको। ओह, फिर कोशिश करो। ओह, कोशिश करो।
जॉर्ज मम्मी के ऊपर से बॉल नहीं फेंक पा रहा है। रहने दो जॉर्ज, बॉल मुझे दे दो। क्या बात है जॉर्ज, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। पेपा जॉर्ज की नकल करना चाहती है लेकिन वो बहुत बड़ी है और फंस जाती है। बॉल मेरे पास है पेपा, अब पिगी बनने की तुम्हारी बारी है। जॉर्ज पकड़ो। हुर्रे! पकड़ लिया। जॉर्ज अब तुम बनो पिगी। जॉर्ज पकड़ो। बॉल को पकड़ो जॉर्ज। पकड़ो जॉर्ज। जॉर्ज पकड़ो। बॉल यहाँ है जॉर्ज। ओह डियर पेपा, तुम्हें जॉर्ज को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। माफ करना जॉर्ज। ये शोर कैसा है? डैडी, जॉर्ज पिगी इन द मिडल खेलने के लिए बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ वो काफी बड़ा है। नहीं वो नहीं है डैडी, ये देखिए। इसे पकड़ो जॉर्ज। हुर्रे! ये ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक है, मैं सिर्फ जॉर्ज की मदद कर रहा था।